उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने लूटपाट, डकैती, हत्या जैसे बड़े अपराधों का वांछित बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि थाना बुड़गांव क्षेत्र के बेलडा नहर पर पुलिस चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए देवन की ओर भाग निकले। इसी दौरान मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच प्रभारी संजय पांडे ने भी टीम के साथ बदमाशों की लोकेशन पर सीधा अटैक किया। वहीं सूचना पर थाना बड़गांव व देवन पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस पर फायर शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। वहीं क्राइम ब्रांच टीम व संयुक्त पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में लूटकांड, हत्या, डकैती जैसे बड़े अपराधों की दुनिया में कुख्यात बदमाश इरफान पुत्र अजीज निवासी जिला शामली को पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया। वहीं दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठा, फायर करते हुए फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश इरफान और कांस्टेबल रवि को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम स्टोरी, सहारनपुर। पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो लोग थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया और रुके नहीं, और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। भागते समय इंस्पेक्टर देवबंद और हमारी एसओजी टीम ने इनका पीछा किया। पैर में गोली लगी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया। इरफान सनाफ अजीज जो शामली का रहने वाला है, और इसके अपराधी को पुलिस तलाश की गई। नाम है इस बदमाश का, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी हुई है शामली से बदमाश है, आपको विस्तृत जानकारी भी उनके सामने। हमारे एक कांस्टेबल रवि को चोट लगी हुई है, इसका इलाज चल रहा है और एक पिछले सवाल है।